हेलो हाय नमस्ते। आज हम कूलिंग बबल शीट इंस्टॉल कर रहे हैं। पीछे आप देख सकते हो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है उसका जानकारी देता हूं। चलो देख के आते हैं। अभी हम बबल शीट का मेजरमेंट लेके कूलिंग बबल शीट को कट कर रहे हैं। कूलिंग बबल शीट को हम सीजर और चाकू से भी कट कर सकते हैं। कट करने के बाद उसको ऊपर लेके स्टार्टिंग पर्लिन से एंड पर्लिन तक टाइट करके उसको हम सेल्फ थ्रेड मेटल स्क्रू की मदद से फिट कर देते हैं। कूलिंग बबल शीट को कट करने के बाद उसको ऊपर लेके स्टार्टिंग पर्लिन से एंड पर्लिन तक टाइट करके उसको हम सेल्फ थ्रेड मेटल स्क्रू की मदद से फिट कर देते हैं। अभी यहाँ कूलिंग शीट को प्रॉपरली अलाइन करके फर्स्ट पर्लिन पे हम स्क्रू डाल रहे हैं। बाद में उसको प्रॉपरली खींच के टाइट करके एंड पर्लिन पे स्क्रू डालते हैं। बाद में कूलिंग बबल शीट के ऊपर नॉर्मल मेटल शीट रख के उसको नॉर्मली फिट करते हैं ना, ऐसे ही फिट करते हैं। कूलिंग बबल शीट को इंस्टॉल करने से ऊपर से आने वाला हीट को हम तकरीबन 97% कम कर सकते हैं। उसका मतलब आप इसके मदद से रूम का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं और बारिश के दिन में आने वाला रूफटॉप का साउंड को भी ये 40-50% तक कम कर देता है। कूलिंग बबल शीट को इंस्टॉल करने के बाद सीलिंग फैन से आने वाला हीट भी कम हो जाता है। आपका रूम का टेम्परेचर और कंफर्ट लेवल बहुत चेंज हो जाता है। आप कूलिंग बबल शीट को एग्जिस्टिंग रूफ, RCC रूफ एंड एग्जिस्टिंग वॉल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसको हम मशरूम फार्म, बर्ड फार्म में भी यूज कर सकते हैं। अब भी देखो, हम टेम्परेचर का टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ हम एक तरफ बबल इंस्टॉल किए हैं, दूसरी तरफ इंस्टॉल नहीं किए हैं। टेम्परेचर गन का मदद से यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहे हो। धन्यवाद।